हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि राउटिंग की ज़रूरत आपको हर जगह पर पड़ती है। अगर आप सीसीएनए में आए हैं तो आपको राउटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ठीक है, हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो राउटिंग कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं कि राउटिंग होता क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहला आपको आता है कि राउटिंग क्या है। तो व्हाट इज राउटिंग में अगर बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच अ पैकेट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो कि आपके पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाता है। अब इससे पहले अगर हम बात कर लें कि राउटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि राउटिंग की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको अपना डेटा जो है वो आपको नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजी बना रखी है। इस टोपोलॉजी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दो नेटवर्क बनाए हुए हैं। इसके अगर मैं आईपी की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन करा रखी है वो मैंने 10.0.0.1 और इस इंटरफेस पर मैंने आईपी डाला 10.0.0.2। और यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क चल रहे हैं वो हमारा यहाँ पर फास्ट इथरनेट में चल रहा है 192.168.10.1 की रेंज का, और यहाँ पर जो चल रहा है वो 172.6.16.0.1 की रेंज का चल रहा है। यानी दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं। अगर अब हमें अपना डेटा भेजना है तो क्या होगा कि हम जैसे ही अपने पीसी से डेटा को अपने राउटर तक भेजेंगे और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे इस नेटवर्क में डेटा पहुंच जाए, तो इसके लिए हमें कैसे रास्ता बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके राउटर को ये रास्ता ही नहीं पता है कि उसे डेटा कहाँ तक पहुँचाना है तो वो डेटा को नहीं लेके जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है राउटर की। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस राउटर को किस नेटवर्क के बारे में पता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर एक कमांड होती है आपकी शो आईपी रूट, यानी आपके जो राउटिंग के लिए होती है यहाँ पर राउटिंग टेबल रहती है, यानी कि ये किस किस के साथ में कनेक्शन बना सकता है, कहाँ तक आपके डेटा को ले जा सकता है, इसकी ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो यहाँ पर बनती है। तो उस टेबल को हम देखने के लिए शो आईपी राउट करेंगे। और इनकी अगर टेबल को देखें तो इन्हें कौन सा नेटवर्क पता है, एक तो 10.0.0 का और एक 192.168.10.0, यानी ये डेटा इन दो जगह पर ही लेके जा सकता है, इससे अलावा डेटा को नहीं ले जा सकता। लेकिन हमें कहाँ भेजना है, 172 की जगह पर भेजना है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी हमें अपने राउटर को ये बताना पड़ेगा कि उसे डेटा यहाँ तक ले जाना है और किस रास्ते से कैसे लेकर जाना है, वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या जरूरत है, टू रूट द पैकेट राउटर नीड्स टू नो, आपके पैकेट को रूट कराने के लिए, पहुंचाने के लिए राउटर को क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। एक तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होना चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया था वहां पर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस 172 नहीं आ रहा था, यानी 172 अगर एड होता तो ये 172 तक आपके डेटा को पहुंचा सकता है। दूसरा आपका आउट इंटरफेस होना चाहिए कि आपका जो डेटा जाएगा वो किस इंटरफेस से होकर के जाएगा। जैसे ये जो टेबल आपके पास थी तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो 10.0.0 का आपका डेटा जाएगा वो कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल के थ्रू, यानी आपका जो डेटा जाएगा वो सीरियल के थ्रू जाएगा। 192 का जो डेटा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट, यानी यहाँ पर क्या है आपकी आउट इंटरफेस है कि कैसे आपका डेटा जाना है। तो ये चीज भी आपको कैसे बताना चाहिए राउटर को, जब राउटर को ये पता होगा तभी वो जो है आपके डेटा को आगे भेज सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं राउटिंग प्रोसेस के बारे में कि राउटिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। तो व्हेन अ पैकेट रीच द राउटर, जैसे ही आपका जो पैकेट है वो राउटर के इंटरफेस तक पहुंचता है, इट लुक्स अप द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द पैकेट हेडर एंड कंपेयर्स इट विद राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। यानी क्या होता है कि जैसे ही आपका जो पैकेट है वो आपका कहाँ पहुंचा, आपके राउटर के पास में, तो वो आपका जो पैकेट जाता है पैकेट के साथ में उसका हेडर रहता है। हेडर में क्या रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन की जो डेटा भेजा गया है वो किस आईपी तक, किस नेटवर्क तक जाना है, तो उस नेटवर्क को कंपेयर कराएगा आपके राउटिंग टेबल से कि अगर क्या राउटिंग टेबल के अंदर उस नेटवर्क की एंट्री है पहले से, अगर है तो तभी आपका डेटा आगे जाएगा। द राउटिंग टेबल विच इज स्टोर्ड इन रैम, आपकी जो राउटिंग टेबल वो रैम पर स्टोर होती है और राउटर को ये बताती है कि विच आउटगोइंग इंटरफेस इट हैज टू फॉरवर्ड द पैकेट, यानी किस इंटरफेस से, किस रास्ते से आपके डेटा को आगे जाना है। आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं राउटिंग टेबल के बारे में। यहाँ बताया गया टू रूट राउटर बिल्ड राउटिंग टेबल, यानी आपके डेटा को रूट कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए राउटर जो है वो राउटिंग टेबल को बिल्ड करता है। राउटर टेबल में क्या रहता है आपका, द डेस्टिनेशन नेटवर्क एंड सबनेट मास्क, आपके डेस्टिनेशन का नेटवर्क रहता है उसका सबनेट मास्क रहता है। जैसे हम यहाँ पर अगर देख लें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो आपका नेटवर्क है और दूसरा उसका सबनेट मास्क, यानी प्रीफिक्स लेंथ की फॉर्म में यहाँ पे देखिए आप दिखाया गया कितना है आपका 255.0.0.0, क्योंकि 8-bit ये नेटवर्क की है। तो ऐसे में पता लग गया कि आपका क्या है सबनेट मास्क। दूसरा क्या है, द नेक्स्ट होप राउटर टू गेट द
डेस्टिनेशन नेटवर्क, और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट होप राउटर, नेक्स्ट होप का कॉन्सेप्ट अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि नेक्स्ट होप क्या होता है। नेक्स्ट होप जो है आपका एक नेक्स्ट राउटर, यानी आप कहां तक डेटा पहुंचाने वाले हो उस चीज को कहते हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ पर राउटिंग टेबल जो ऑटोमेटिकली बनी हुई है, वहां पर क्या है कि आपका डेटा कहाँ से जाना है, सीरियल से जाना है। तो ये क्या है, इसका एक नेक्स्ट होप है कि यहाँ से आपके डेटा को भेजना है। इसके बाद है राउटिंग मैट्रिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, साथ ही आपकी राउटिंग मैट्रिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चाहिए। राउटिंग मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स मतलब आपके डेटा को भेजने के लिए जो ये राउटिंग टेबल बना रहे हैं, तो इसके लिए जो आपके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन हो रहा है, तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है, उसके लिए कैलकुलेशन जो कर रहे हैं किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, मान लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है कि आपका एक जगह से और दूसरी जगह तक आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, यहां से जाने के जो दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक इधर से रास्ता है। अब आप इस रास्ते से जाने वाले हो तो आपको क्या चाहिए होगा कि आप एक अपना दिमाग लगाओगे, आप ये सोचोगे कौन सा रास्ता जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे एक रास्ते पे क्या है कि दूरी ज्यादा है लेकिन वहां ट्रैफिक कम रहता है, एक रास्ते पे क्या है दूरी कम है लेकिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो आप ये सोचोगे कि हम कौन सा रास्ता लें जिससे हम जल्दी पहुंच जाए और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जो ये कैलकुलेशन करेंगे इसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसके लिए आपकी राउटिंग मैट्रिक्स भी डिपेंड करती है, साथ ही आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो, आप मान लीजिए ये तो आपने कैलकुलेशन की, आपने क्या किया, आपने दो लोगों से पूछा, आपने पूछा कि एक यहीं पर ट्रैफिक पुलिस था, उससे आपने पूछा कि बोले मुझे यहां से यहां तक जाना है तो कौन सा रास्ता आपका बेस्ट रहेगा, एक आपने ऐसे ही एक पर्सन था उससे पूछा, उसने भी रास्ता बताया, ट्रैफिक पुलिस ने भी बताया। अब आपको दो रास्ते अलग अलग मिले तो आप क्या सोचोगे, आपको एक जो बिलीव होगा वो रहेगा, यानी कि आपको कितना भरोसा है उस पर कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हो कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको ठीक बताया होगा या फिर जो एक पर्सन है उसने ठीक बताया होगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहलाती है, यानी हमें जो रिलायबिलिटी लेवल है वो कितना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट होप का कॉन्सेप्ट। तो ये नेक्स्ट होप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट होप कॉन्सेप्ट में देखिए, आर राउटर कैन नॉट ट्रांसफर पैकेट टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। आपका राउटर डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पैकेट को तब तक नहीं भेज सकता एज इट इज सपोज टू अनलेस द नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर। जब तक आपका राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मीन्स क्या है कि अगर आपका राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो आपका जो राउटर है वो आगे डेटा को नहीं भेज सकता। जैसे मैं यहाँ पर देख लूँ कि हमारे पास अभी दो राउटर हैं, अब ये क्या है, ये एक दूसरे तक अपना डेटा भेजेंगे क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी हम राउटिंग भी कराएंगे तो कैसे कराएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास राउटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आप डायरेक्ट उसके पास भेज दो। जैसे अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और टोपोलॉजी बना लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये तीन राउटर हैं आपस में कनेक्टेड। अब पहला वाला जो है वो थर्ड वाले से और थर्ड वाला जो है पहले से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस केस में क्या होगा कि जब आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है तो हम डेटा कैसे भेजेंगे, हम अपना डेटा पहले भेजेंगे इस 10.2 को, यानी हमारा डेटा जो जाएगा वो 10.1 से 10.2 तक जाएगा। फिर ये वाला राउटर जो है, फिर आगे का रास्ता ये वाला राउटर डिसाइड करेगा। यानी अब ये क्या करेगा, अगर हमने डेटा यहाँ से जो है यहाँ के लिए भेजा हुआ था तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से जब सेकंड राउटर पे पहुंच जाएगा तो सेकंड राउटर डिसाइड करेगा कि अब आगे वाला उसका जो नेक्स्ट होप है वो कौन सा होगा, उसका नेक्स्ट राउटर यानी नेक्स्ट इंटरफेस पे अपना डेटा भेजेगा और इस राउटर तक पहुंचेगा। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका जो फर्स्ट राउटर है वो डायरेक्ट थर्ड को डेटा भेज सके या थर्ड राउटर डायरेक्ट फर्स्ट को भेज सके। वो क्या करेंगे, फर्स्ट राउटर अपना जहां तक इसकी केबल कनेक्टेड है डायरेक्टली वहां तक डेटा भेजेगा। वहां तक मतलब क्या है कि आपका 10.1 से 10.2 तक कनेक्टेड है, तो ये 10.2 तक आपके डेटा को भेजेगा। सेकंड राउटर जो है वो क्या करेगा, वो आपका थर्ड वाले भेजेगा। तो इस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो डेटा जाता है वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पर ही जाता है। राउटर सेंड द पैकेट टू द नेक्स्ट राउटर ऑन द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। राउटर जो है आपके पैकेट को सेंड करता है नेक्स्ट राउटर पे अपने बेस्ट पाथ के लिए, और जो नेक्स्ट राउटर है वो डिसाइड करता है फिर आगे का आपको कैसे पहुंचाना है। और ये जो नेक्स्ट राउटर है आपका, वही क्या आपका नेक्स्ट होप कहलाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हम फर्स्ट राउटर से मान लीजिएगा थर्ड पे भी भेज रहे हैं, हम थर्ड के इन पीसी पे डेटा भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट होप होगा वो कौन सा होगा कि हम कहां तक भेज रहे हैं, इस इंटरफेस तक भेज रहे हैं यानी 10.2 तक। तो हमारा नेक्स्ट होप होगा 10.2। अब ये 10.2 से जब आगे जाएगा तो आगे का होगा, जैसे हम यहाँ का जो आईपी है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आईपी कौन सा 11.0.0.1 है,
और इसका जो आईपी है वो 11.0.0.2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट होगा इस वाले के लिए कौन सा होगा, 10.2 होगा। इस वाले के लिए जब आगे जाएगा तो 11.2 होगा, और जब इस वाले से अगर डेटा हम भेज रहे हैं फर्स्ट वाले पे तो नेक्स्ट होप कौन सा होगा, 11.1 होगा। अगर हम इस वाले से डेटा जब इधर के लिए भेजेंगे तो जो भी हमारा नेक्स्ट राउटर है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट होप होगा। इसके बाद है ईच राउटर टू रिले अ पैकेट टू द नेक्स्ट होप डाउन द बेस्ट पाथ होप बाई होप टू द फाइनल डेस्टिनेशन नेटवर्क। यानी हर राउटर से अगर क्या होगा, जैसे हमें डेस्टिनेशन तक डेटा भेजना है, हमें फर्स्ट राउटर से लास्ट पे भेजना है, तो उसके लिए आपका जो डेटा जाएगा वो नेक्स्ट होप से होता हुआ जाएगा, कि पहले आपके इस राउटर से यहाँ तक गया इसके नेक्स्ट होप, फिर सेकंड राउटर का जो नेक्स्ट होप है वहां तक जाएगा, फिर थर्ड राउटर का जो नेक्स्ट होप है वहां तक जाएगा। यानी आपका डायरेक्टली ऐसा नहीं है कभी भी डेटा जाए, वो नेक्स्ट होप से होता हुआ जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अब बात आती है राउटिंग बेस की, यानी आपके राउटिंग कराने के कितने तरीके हैं। तो चार तरीके होते हैं राउटिंग कराने के। सबसे पहला तो क्या, कनेक्टेड नेटवर्क, यानी जो अभी हमने देखा हमें राउटिंग टेबल में क्या दिख रहा था, कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहे थे, यानी जो पहले से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, राउटर खुद ही कनेक्टेड नेटवर्क को रास्ते को अपने आप फाइंड कर लेता है। दूसरा क्या है, स्टैटिक रूट्स। दूसरी जो राउटिंग होती है वो स्टैटिक राउटिंग होती है, जिसमें हम स्टैटिक रूट यानी खुद स्टैटिक मतलब क्या होता है, मैनुअली बनाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी डिफॉल्ट रूट्स, यानी डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा, बेसिक आपको समझ आ गया होगा राउटिंग होता क्या है, हमें क्यों जरूरत होती है, हम इसका यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब ये जो आपके रूबेस है हम इन्हें वन बाई वन नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। अगली वीडियो में हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिफाइन करेंगे, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।